हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं रमेश सांगिड़ आज इकोनॉमी के अंदर जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन था उस क्रॉप प्रोडक्शन को आगे लेते हुए आपकी जो नई वाली क्रॉप है जिसका नाम आज रहेगा आपका ज्वार, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास के अंदर जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। तो आज की क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं आपका ज्वार, सोरगम, छोटी सी क्रॉप है आपका, लगभग बाजरे से मिलती जुलती फसल है, राइट। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपका जवार है, तो जवार का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या आपका सोरगम बाइकोलर, क्या है सोरगम बाइकोलर, राइट, ये इसका वैज्ञानिक नाम। फिर गुणसूत्र की बात करें या पहले फैमिली की बात करें तो फैमिली है आपकी ग्रेमिनी या फिर पोएसी, ग्रेमिनी या फिर पोएसी। फिर इसके अंदर गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र कितने हैं इसके अंदर 2n = 20, गुणसूत्र कितने हो जाते हैं इसके अंदर 2n = 20, राइट। इसके अलावा इसके अदर पॉइंट की अगर अपन बात करें तो इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट बनते हैं अपने जवार के अंदर, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जवार को कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो आपका यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो जवार है उसको कैमल क्रॉप कहा जाता है, राइट, या भी डायरेक्टली वहाँ पर कहा जाता है कि निम्न में से कौन सी फसल को कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इसी रिलेवेंट आपके जो अभी 2-3 दिन पहले SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट, तकनीकी सहायक और फार्म मैनेजर का जो पेपर था उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्वेश्चन क्या था कि आपका जो जवार है उसको कैमल क्रॉप क्यों कहा जाता है, राइट। तो उसके 3-4 ऑप्शन थे जिसमें सबसे जो सुटेबल ऑप्शन था वो क्या माना जाता है आपका कि वो क्या है, न्यूट्रिएंट को ज़्यादा अमाउंट के अंदर ग्रहण कर लेता है, राइट। तो इसके अलग अलग कंसेप्ट है, जब आपका फसल प्रणाली चली थी तब मैंने यही चीज़ आपको कंसेप्ट में समझाया और वही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन वैसा का वैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ गया। जब आपकी फसल प्रणाली चल रही थी तब मैंने आपको बताया था कि आपका जो कैमल क्रॉप है वो आपका जवार को ही क्यों कहते हैं। कैमल क्रॉप का मतलब ये नहीं है कि वो सूखा सहन कर रहा है, सूखा सहन तो आपका क्या है जवार से ज्यादा बाजरा सूखा सहन करता है, फिर जवार को क्यों बोलते हैं, तो उसके पीछे का रीजन मैंने आपको एग्जॉस्टिव क्रॉप बताया। तो वैसा का वैसा सेम टू सेम आपको मैंने जहाँ क्वेश्चन बताया वैसा का वैसा क्वेश्चन आपके टेक्निकल असिस्टेंट में आया था। और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज है, है ना, ये आपको जो पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा पॉइंट बनता है कि आपका कैमल क्रॉप कौन सा है, वो है आपका ज्वार। फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपका जो पुष्पकर्म होता है, पुष्पकर्म कौन सा होता है आपका पेनिकल, कौन सा होता है पेनिकल, पुष्पकर्म कौन सा होता है आपका पेनिकल, राइट। तो ये 2 पॉइंट आपके अपने आप में यहां पर हो गए। इसके अलावा अगर अपन मेजर मेजर अपन पॉइंट बात करें तो आपका इसको अपन एग्जॉस्टिव क्रॉप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव क्रॉप के नाम से भी इसको जाना जाता है, राइट। चलिए फिर अपन डायरेक्ट चलते हैं अपने अपने बीज दर, नेक्स्ट पोर्शन है आपका बीज दर, सीड रेट। जवार के बीज दर की अगर अपन बात करें तो जवार के आपके जो बीज दर है वो 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, यानी एक तो क्या है आपके, अगर आप जवार को दाने के पर्पज में उगाते हो, दाने के उद्देश्य के लिए अगर आप वहां पर लगाते हो तो दाने का उद्देश्य, दूसरा आता है आपका अगर आप जवार को चारे के रूप में लगाए, किसके रूप में, चारे के रूप में, अगर दाने के लिए लगाते हो आप तो उसकी बीज दर कितनी रखते हो, तो वह है आपका 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और दूसरा आता है आपका चारे के लिए, अगर चारे के लिए लगाते हो तो कितना आता है आपका 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको क्या रखना होता है आपका बीज दर, राइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें नेक्स्ट आती है किस्में, डायरेक्ट किस्मों में चलते हैं, किस्मों की अगर अपन बात करें, वैरायटीज की बात करें तो यहां पर 2 चीजें देखना, मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वैरायटीज बताऊंगा जिसमें से 2 चीज जवार के अंदर, एक तो कौन सी सीरीज है आपकी CSH, कौन सी सीरीज है आपकी CSH, दूसरी सीरीज है आपकी CSV, कौन सी है CSV,
ठीक है। तो ये दो सीरीज आती है, दोनों सीरीज की अगर अपन बात करें, दोनों सीरीज से आपकी क्या है, कहीं पर भी आ जाए, जैसे CSH1 हो गया, CSH9 हो गया, CSV5 हो गया, CSV8 हो गया, अगर ये सारी चीजें आ जाती है तो डायरेक्टली आपको आंख बंद करके वहां पर कौन सी किस्म लगानी है, जवार की किस्म लगानी है, राइट। अब अगर अपन बात करते हैं यहां पर, सबसे पहले CSH1 की बात करें, CSH1 है आपका, ये क्या है, ज्वार की प्रथम संकर किस्म है। कौन सी है, ज्वार की प्रथम संकर किस्म है, ठीक है, ये होगी ज्वार की प्रथम संकर किस्म। इसके अलावा एक और वैरायटी आती है आपकी CSH9, कौन सी आती है, CSH9, CSH9 क्या है आपकी, अपनी सुकसेन है ना, अत्यधिक सुकसेन, सुकसेन तो आपकी जवार है ही है, लेकिन सुका के अंदर अत्यधिक सुकसेनशील कौन सी है, अत्यधिक सूखा सहनशील, अत्यधिक सूखा सहनशील किस्म कौन सी है आपकी, तो अत्यधिक सुखा सहनशील CSH9 है। फिर अपन आता है अपना CSH29, ये क्या है आपकी, लवण सहनशील किस्म है, कौन सी है, लवण सहनशील किस्म है, कौन सी है, लवण सहनशील किस्म है, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका तीन और वैरायटीज। अब अगर अपन बात करें कुछ CSV की भी देख लेते हैं, तो CSV की आप नॉर्मल इतना सा याद रख लेना, CSV15 एक आती है, CSV229, तो ये किसकी है, जवार की किस्म है। अब जवार में भी देखना आप ना, जवार तो चलो ठीक है, ये जवार की किस्में हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये आपके यहाँ तक लिखवाई है ना, यहाँ से लेकर ये तो यहाँ तक जो किस्में हैं वो किसकी किस्में है आपकी, दाने के पर्पज के लिए, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, स्पेशली दो प्रकार से अपन पढ़ते हैं, एक तो दाने के लिए, एक अपन दूसरा पढ़ते हैं अपना चारे के लिए, और स्पेशली चारे के लिए काफी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी चारे की किस्म है, ये आपके मक्का में भी पूछी जाती है, जवार स्पेशली जवार में पूछी जाती है, राइट। और दाना का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको CSH और CSV है वो क्या है, दाने के पर्पज में अपनी कौन सी है, यहाँ पर किस्में आती है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट किस्म आती है आपकी राजचरी, कौन सी आती है, राजचरी, एमपी चरी, यूपी चरी, राइट, चरी आ रहा है, चरी मतलब चारे के लिए, राइट। इसके अलावा अगली किस्म की अगर अपन बात करें, अगली वैरायटी की अगर अपन बात करें, तो एक वैरायटी आती है आपकी मिट्टी सूडान, कौन सी आती है, मिट्टी सूडान, सूडान, मिट्टी सूडान, ठीक है। मिट्टी सूडान की अगर अपन बात करें तो कौन सी आपकी, SSG593 क्या है, इसका दूसरा नाम है, राइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक आती है आपकी M351, क्या आती है आपकी, M351, ये किस्म किसकी है आपकी, अपने जवार की किस्म है, लेकिन ये किसके लिए सुटेबल है आपकी, रबी के अंदर, ठीक है, रबी के अंदर। अब अगर अपन बात करें ये चारों पांचों किस्में हैं, ये क्या है आपके चारे के लिए, किसके लिए है आपके चारे के लिए। अगर आपको पूछ ले निम्न में से चारे की किस्म कौन सी है, तो राजचरी, एमपी चरी, यूपी चरी, मिट्टी सूडान, M351, ये चारे के लिए आ गई। लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले निम्न में से कौन से रबी चारे की किस्म है, तो रबी चारा पूछ ले, तो रबी चारे के लिए आपको ओनली एंड ओनली क्या करनी है, M35-1, ठीक है। तो ये क्या है आपकी रबी किस्म की, ये क्या है, वैरायटी है, ठीक है। चलो ये आपकी वैरायटी हो गई, फिर डायरेक्ट अपन चलते हैं सिंचाई में। सिंचाई की बात करें, सिंचाई के अंदर क्या है आपका, अपना जल मांग, क्या है, जल मांग, जल मांग कितनी है आपकी, अपने आती है 450 mm, कितनी आती है 450 mm, क्रांतिक अवस्था है बाजरे की जैसी ही है, ठीक है। फर्टिलाइजर और उर्वरक वो भी क्या है, बाजरे जैसा ही है। फिर अपन बात करते हैं आपका एंड में जाते जाते एकाध कीट की बात करें, जिसमें कौन सी आती है आपकी, तन्ना मक्खी, कौन सी आती है आपकी, तन्ना मक्खी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेस्ट आता है किसका, जवार का,
किसका आता है आपका, जवार का। जवार का तना मक्खी की अगर अपन बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, तना मक्खी जो आपकी जो सूट पलाई है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एथेरिगोना सेकेटा। क्या है? एथेरिगोना, एथेरिगोना सेकेटा। क्या है आपका? एथेरिगोना सेकेटा। फिर दूसरे अगर अपन बात करें तो ये क्या है आपका, इसके अलावा इसका बचाव, बचाव कैसे कर सकते हैं, तो बचाव है आपका अगेती बुआई। क्या है आपकी? अगेती बुआई, यानी अर्ली सोविंग करनी है आपको। अर्ली सोविंग करने के बाद में इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मछली का चूरा, मछली का चूरा, ठीक है, मछली के चूरे के द्वारा भी आप कर सकते हो इसका कंट्रोल। और इसके अलावा अपना क्या कर सकते हो, कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड भी इसके अंदर यूज ले सकते हो, कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गए आपके अपने इसकी कीट के बारे में। रोग इतना खास है नहीं, ठीक है, जो आपका बाजरा में वही लगभग रहता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका नाम क्या है आपका, HCl। क्या है आपका? HCl, HCl means हाइड्रोसाइनाइड। क्या है आपका? हाइड्रोसाइनाइड, जिसका दूसरा नाम क्या है आपका, दुरीन अम्ल। क्या है आपका? दुरीन अम्ल। दुरीन अम्ल के अलावा अगर अपन बात करें तो इसको प्रूसिक अम्ल भी कहा जाता है, प्रूसिक अम्ल भी कहा जाता है, प्रूसिक अम्ल भी इसको कहा जाता है। ये दो चीजें आ गई, ठीक है। इसके अलावा ये जो हाइड्रोसाइनाइड है इसका नेचर क्या होता है आपका, ये क्या होता है, ग्लूकोसाइड होता है। क्या होता है? ग्लूकोसाइड होता है, ग्लूकोसाइड होता है। इसका मतलब ये क्या आपका, अपने जवार में पाए जाने वाला एक विषैला पदार्थ है। क्या है आपका? जवार में। यहाँ पर देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, अलग अलग केमिकल्स का वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। दो प्रकार के केमिकल्स होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलिट्स, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेटाबोलिट्स, है ना, प्राथमिक उपापचयी पदार्थ, द्वितीयक उपापचयी पदार्थ। ध्यान रखना जो प्राथमिक और प्राइमरी होते हैं वो तो क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, सेकेंडरी होते हैं वो हानिकारक होते हैं। ये हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, केमिकल से जुड़े हुए नाम आपके जो है वो पूछा जाता है, राइट। जैसे जीरे के अंदर कौन सा होता है, तिल के अंदर कौन सा होता है, इसके अलावा पूछा जाता है कि आपके जवार के अंदर कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है, तो जवार में कौन सा हो गया आपका, HCl। अगर आपको पूछ ले अपना जो आपका जो मूंगफली है, मूंगफली के अंदर कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है, तो वो कौन सा आपका, एफ्लाटॉक्सिन है। तो ये अलग अलग वहां पर एग्जाम्स के अंदर काफी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहां पर आपको क्या, ये विषैला पदार्थ है। अब आपको जो HCN है, HCN की बात करें तो HCN क्या करता है कि एक जहरीला पदार्थ होता है, जिसको अगर कोई एनिमल पशु खा जाता है तो पशुओं में कौन सा रोग होता है, आफरा रोग होता है। कौन सा होता है? आफरा रोग होता है, राइट। इसके अलावा आपको जो ये HCN है वो कहां पर बनता है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, तो आपको जो HCN है वो बनता कहां पर है, एकत्रित कहां पर होता है। बनता तो कहां पर है आपका, जड़ों में। एकत्रित कहां पर होता है आपका, पत्तियों में। और पत्तियों में कहां पर होता है आपका, कच्ची पत्तियों में। इसीलिए नॉर्मल अपने घर पर भी देखना, घर पर आपके जो पशु है उसको अपन बोलते हैं इसको कच्चा आपका जो चारा है वो मत खिलाओ। स्पेशली अपन किसकी बात करते हैं, अपने जवार की। कच्चा जवार अपन खिलाते नहीं, आप अपने घर पर ये पता कर सकते हो। अपने जो पशु होते हैं गाय भैंस, उसको कच्चा जवार खिलाते ही नहीं है। क्यों नहीं खिलाते है? क्योंकि कच्चे जवार के अंदर आपका HCN बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए इसको वो अपन नहीं खिलाते। ये इसका कारण हो गया, राइट। तो अपना कहां पर बनता है, जड़ में। एकत्रित कहां होता है आपका, पत्तियों में। फिर अपन देखते हैं इसका सेप लिमिट क्या है, यानी इसकी कितनी लिमिट तक क्या है, पशु उसको सहन कर सकता है। तो कितनी लिमिट, 200 ppm से अगर कम है तो पशुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 200 ppm से ज्यादा हो जाती है HCN, तो वहां पर पशुओं को वहां पर कौन सा रोग हो जाता है, आफरा ब्लॉट हो जाता है।
और ये अमाउंट जैसे जैसे बढ़ती है 200 300 500 200 से 500 तक एनिमल के अंदर रोग होता है, ब्लोट आफरा आ जाता है, लेकिन 500 से ज्यादा चला जाए तो पशुओं की मृत्यु हो जाती है। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो आप तीसरा पॉइंट यहां पर लिख सकते हो कि ये बनता कहां पर है, इसका संश्लेषण कहां होता है, संश्लेषण संश्लेषण होता है आपका जड़ में। और एकत्रित कहां होता है, एकत्रित कहां होता है, कच्ची या फिर जिसको आप नई पत्ती भी बोल सकते हो, कच्ची पत्ती या फिर नई पत्ती के अंदर भी क्या है आपका, इसका एकत्रित एक्युमुलेशन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो कौन सा है आपका, अपना जो सेफ लिमिट है ना, सेफ लिमिट मैंने आपको कितना बताया है, 200 ppm से कम, सेफ लिमिट कितना है आपका, 200 ppm से कम। ये हो गया आपको पूरा HCN। ठीक है, तो यहां तक आपका कंप्लीट होता है HCN के साथ में आपका जवार, राइट। जवार की क्रॉप बिल्कुल छोटी सी क्रॉप थी, अच्छी क्रॉप थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको लिखवा दिए। नेक्स्ट एक और छोटी सी क्रॉप आती है जिसका नाम क्या आपका, जो, क्या नाम है आपका, जो। जिसको अपन क्या बोलते हैं, बारले, क्या बोलते हैं, बारले। जो की बात करें तो जो का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपका, बारले आपका जो जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपका, हॉर्डियम वल्गर, क्या होता है आपका, हॉर्डियम वल्गर। हॉर्डियम वल्गर फैमिली कौन सी, ग्रैमिनिपोएसी। इसके अलावा गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र कितने आपके, 14 होते हैं इसके अंदर। क्रोमोजोम कितने होते हैं, 14 क्रोमोजोम होते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या है आपका, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है आपकी दक्षिणी पश्चिमी एशिया। कहां से मानी जाती है आपकी, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, जिसको आप इथियोपिया भी बोल सकते हो। यानी पोर्शन कौन सा आपका, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। लेकिन आपको पर्टिकुलर कोई एरिया पूछ ले, कोई पर्टिकुलर देश पूछ ले तो कौन सा आपका, इथियोपिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका वनस्पतिक विवरण। फिर अपन बात करते हैं आपका इसका वन बाय वन पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट की अगर अपन बात करें तो अपन क्या है कि आपका जो बार्ले है वो क्या है आपका, लवण एवं एवं क्षारीय सहनशील किस्म। कौन सी है, लवण एवं क्षारीय सहनशील किस्म। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा कौन सा है आपका कि आपका जो जो है बार्ले, ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। आप नॉर्मली अपने लेवल पर दो प्रकार की मान सकते हो। कौन कौन सी होती है, एक तो क्या है आपकी छह पंक्ति वाली, कितने पंक्ति वाली, छह पंक्ति वाली। ठीक है, एक आती है आपकी दो पंक्ति वाली, क्या आती है आपकी, दो पंक्ति। अब यहां पर देखो, मैंने पहले तीन प्रकार लिखकर दो प्रकार क्यों किए, क्योंकि आपका क्या है कि आपकी नॉर्मली थोड़ा सा अपन डीप में जाएं तो ये तीन प्रकार की कैसे होती है, एक तो होती है आपकी छह पंक्ति वाली, दूसरी दो पंक्ति वाली, तीसरी भी क्या आती है आपकी दो पंक्ति वाली, तीसरी भी क्या आती है आपकी दो पंक्ति वाली। ये क्यों आती है, कैसे आती है, इतना आपको डीप में नहीं जाना है, बस आपको यही ध्यान रखना है दो पंक्ति कौन सी है, तीन पंक्ति कौन सी है। दो पंक्ति वाली अगर अपन सॉरी छह पंक्ति वाली की अगर अपन बात करें तो छह पंक्ति में क्या आता है आपका, हॉर्डियम वल्गर, क्या आता है आपका, हॉर्डियम वल्गर। और इसके अंदर दो स्पीसीज आती है, एक तो कौन सा आपका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हॉर्डिया इरेगुलर, इरेगुलर, और एक आता है आपका हॉर्डियम दृष्टिकोण, क्या आता है, हॉर्डियम दृष्टिकोण। तो ये क्या है आपके, दो स्पीसीज आती है आपके किस किस की, हॉर्डियम के अंदर जो दो पंक्ति वाली जो किस्में है उसके अंडर ये आती है, राइट। ये हो गया।
उसके बाद में आपका आता है बीज दर। क्या आता है आपका? बीज दर। बीज दर कितनी है आपकी? 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर आती है आपकी किस्में। किस्मों की बात करें, यहां पर किस्में देख लेना, इसके अंदर एक आता है आपका RS6। क्या आता है आपका? RS6। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आपका? RS6। दूसरी वैरायटी कौन सी आपकी? अंबर। क्या आती है आपकी? अंबर। अंबर के अलावा अगर अपन बात करें तो एक आती है आपकी रत्ना। तो ये किसकी है आपकी? आपका जो जो है बार्ल है उसकी कॉमन वैरायटी है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक आती है आपकी RD 137। कौन सी वैरायटी है आपकी? RD 387। RD 387, 137 भी आती है, लेकिन 387 का एक स्पेशल करेक्टर है जिसका दूसरा नाम क्या है आपका? राजकिरण। क्या है आपका? राजकिरण। एंड अगर अपन बात करें, एक आती है आपकी RDB1। क्या आती है आपकी? RDB1। ये क्या है आपकी? सूत्रकर्मी प्रतिरोधी किस्म है। कौन सी है? सूत्रकर्मी प्रतिरोधी किस्म। निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है आपकी? RDB1 और RD 287। ठीक है, फिर एक वैरायटी आती है आपकी BM4। क्या आती है? BM4। BM4 की अगर अपन बात करें तो BM4 क्या है आपका? जो कि उत्परिवर्तित किस्म है। उत्परिवर्तित किस्म है। कौन सी आपकी? उत्परिवर्तित किस्म है। कौन सी आपकी? जो है। कौन सी है? जो की। और ये कहां से डेवलप हुई है? ये डेवलप हुई है आपकी IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर जिसको आप बोल सकते हो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ये यहां से डेवलप है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आती है आपकी K3। क्या आपकी? K3। K3 के अलावा हिमानी। क्या आती है? कौन सी किस्म आती है आपकी? हिमानी। कौन सी आती है? हिमानी। हिमानी के अलावा कैलाश। कौन सी आती है? कैलाश। और एक वैरायटी आती है आपकी डोलमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है आपकी डोलमा। डोलमा की अगर अपन बात करें तो यहां से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इन चारों किस्मों की, किसको है? ये जो चारों किस्में हैं, ये चारों किस्में की अगर अपन बात करें तो चारों किस्मों का एक करेक्टर है, वो क्या है आपका? ये चारों किस्में क्या है? छिलका रहित किस्में। छिलका रहित किस्में। ठीक है, फिर लास्ट में एक और वैरायटी आती है आपकी BL2, जिसका पूरा नाम क्या है आपका? बिलाड़ा 2। राइट, तो एक और वैरायटी आती है आपकी BL2। BL2 का नाम क्या है आपका? बिलाड़ा 2। बिलाड़ा 2 वैरायटी किसकी है आपकी? अपनी जो की किस्म है। किसकी है? जो की किस्म है, जिसके अगर अपन जौ की अगर अपन बात करें, आपकी जो बिलाड़ा 2 है, जो जौ की किस्म है, वो किस प्रकार की है? ये क्या आपकी? लवण सहनशील किस्म है। कौन सी है? लवण सहनशील किस्म है। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी आपकी BL2। तो यहां तक आपकी कंप्लीट होती है इनकी वैरायटी। फिर अगर अपन बात करें नेक्स्ट पोर्शन में क्या आता है? जैसे आपकी सिंचाई। क्या आती है? सिंचाई। फिर आता है आपका उर्वरक, और एक पीछे रह गया आपका खरपतवार। क्या रह गया? खरपतवार। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये तीनों आपके जो पॉइंट है वो बिल्कुल किसके जैसे हैं? आपके गेहूं जैसे। चाहे सिंचाई ले लो, चाहे खरपतवार ले लो, चाहे आपका उर्वरक ले लो, तीनों को तीनों किस्में आते हैं आपके अपने गेहूं के जैसे, वही पोर्शन यहां पर आता है। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर अपन रोग की बात करें, कीट भी लगभग वही है, लेकिन रोग के अंदर एक दो रोग यहां पर अलग अलग आते हैं। जैसे एक है आपका स्ट्रिप रोग, स्ट्रिप डिजीज, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं?
धारीदार रोग या फिर आपका जो स्ट्रिप डिजीज है, स्ट्रिप डिजीज का कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है आपका, यहाँ पर इसका रोगजनक क्या है आपका, तो रोगजनक है आपका हेल्मिंथोस्पोरियम ग्रेमिनेरियम, हेल्मिंथोस्पोरियम ग्रेमिनेरियम किसकी आपका है अपना स्ट्रिप डिजीज का। ये क्या है आपका, एक कवक जनित रोग है। कौन सा है, कवक जनित रोग है। फिर अगर मैं बात करें सेकंड की बात करें, तो सेकंड है आपका अनावर्त कंडवा रोग। और इसका आपका जो कवक है वो कौन सा है आपका, अस्टिलागो, कौन सा है आपका, अस्टिलागो होर्डी, कौन सा है आपका, अस्टिलागो होर्डी। तो ये हो गया आपका अपना रोग के बारे में, कौन सा हो गया आपका रोग के बारे में। एंड में अपन बात करते हैं आपके जो है जवा आपका जो बारले है, इस बारले का उपयोग क्या है, यूजेज क्या है, अपन जो लगाते हैं क्यों लगाते हैं, जो का ऐसा क्या काम आता है। तो जो का जो आपका जो प्रोडक्शन है उसका सबसे ज्यादा जो यूजेज है, सबसे ज्यादा जो उपयोग है वो किसके लिए अपन करते हैं, अपने माल्ट उत्पादन के लिए। किसके लिए करते हैं, माल्ट उत्पादन के लिए। एक्चुअल में अगर अपन बात करें आपका माल्ट क्या होता है, एक जैव रसायन होता है जो आप क्या है कैसे बनाते हैं इसको, तो ये क्या है आपका एक किण्वन प्रक्रिया, जैविक किण्वन प्रक्रिया है, जिसमें आपका जो स्टार्च है, स्टार्च को एक ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव के द्वारा उसको किसमें कन्वर्ट करवाया जाता है, तो वो करवाया जाता है आपका एल्कोहल में। और यहां से जो आपका एल्कोहल मिलता है उस एल्कोहल को अपन क्या बोलते हैं, माल्ट बोलते हैं। अब आपका जो माल्ट है बनते कैसे है, तो माल्ट में अपन क्या करते हैं, जो के जो बीज है उसको भिगो देते हैं, भिगो कर उसको सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद में वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। जैसे ही अंकुरित होता है उसके अंदर से क्या निकलता है आपका, एल्कोहल निकलता है। इसी एल्कोहल को अपन क्या बोलते हैं आपका, अपना माल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो माल्ट के अंदर आप डायरेक्टली, एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है माल्ट उत्पादन किया जाता है, तो माल्ट उत्पादन किससे किया जाता है आपका, जो के द्वारा। दूसरी चीज आती है कि माल्ट उत्पादन के दौरान कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग लिया जाता है, तो कौन से लिया जाता है आपका, ईस्ट, कौन सा आपका, ईस्ट। इसके अलावा आपको जो माल्ट है जो आपको जो है वो अपना क्या है, किसका उपयोग कहां पर लेते हैं, बियर उत्पादन में, कहां पर लेते हैं अपना, बियर इंडस्ट्रीज के अंदर, बियर उत्पादन, या फिर आप लिख सकते हो बियर इंडस्ट्रीज में। बियर इंडस्ट्रीज में अपन क्या करते हैं, इसका उपयोग लेते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, राइट। तो यहां तक आपका खत्म होता है बारले, क्या खत्म होता है आपका, बारले। यहाँ पर दो क्रॉप्स यहाँ पर खत्म हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं अपने माइनर मिलेट्स की ओर। नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका माइनर मिलेट। माइनर मिलेट्स में अपन ज्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा अपना पोर्शन देखेंगे, है ना। और माइनर मिलेट्स ज्यादा एग्जाम्स के अंदर आपके सुपरवाइजर, वैसे आपके डबल एओ, आपका जो पीजी का एग्जाम है टीए के अंदर, तो अभी 4-5 दिन पहले यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, है ना, इल्यूशना कोरखाना वैज्ञानिक नाम पूछा था, राइट। लेकिन आपकी जो सुपरवाइजर में बहुत कम होते हैं चांसेस, लेकिन इस साल 2023 को आप क्या करते हो, एज ए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में आप मना रहे हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो इसको अपन मिस नहीं करेंगे, इसको भी अपन यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं 5 मिनट के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मात्र पूछा जाएगा कि आपका जो माइनर मिलेट है उसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आपका रागी, क्या है आपकी, रागी।
रागी की अगर अपन बात करें तो रागी का दूसरा नाम क्या आपका मंडुआ, क्या नाम है मंडुआ। रागी या फिर मंडुआ की बात करें तो यहां पर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, रागी या फिर मंडुआ का वैज्ञानिक नाम क्या आपका, अपना इल्यूसाइन कोरकाना, इल्यूसाइन कोरकाना, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका, यानी दूसरी आपकी जो माइनर मिलेट की जो क्रॉप आती है वो है आपका अपना पोर्सो मिलेट, कौन सा आपका पोर्सो मिलेट, जिसका दूसरा नाम क्या है आपका चीना, जिसको अपन क्या बोलते हैं चीना, वो आपका चने वाला चीना नहीं है, ये दूसरा चीना है। इसका नाम क्या है आपका पेनिकम मिलिशियम, पेनिकम मिलिशियम, मिलिशियम, ठीक है, चलो। फिर है आपका तीसरा है बार्नयार्ड मिलेट, कौन सा आपका बार्नयार्ड मिलेट, जिसको आप क्या बोलते हो सावा, क्या बोलते हो सावा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बार्नयार्ड मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका क्या है आपका इकाइनोक्लोवा फर्मेंटेशिया, क्या होता है आपका इकाइनोक्लोवा फर्मेंटेशिया, इकाइनोक्लोवा फर्मेंटेशिया, इकाइनोक्लोवा फर्मेंटेशिया, ठीक है। फिर आता है आपका चार नंबर पर कोडोमिलेट, क्या आता है आपका कोडोमिलेट, कोडोमिलेट की अगर अपन बात करें तो कोडोमिलेट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपका पेस्पेपम स्कोरोबाइकुलेटम, क्या है आपका पेस्पालम, पेस्पालम अपना एस्क्रो बाइकुलेटम, स्क्रो बाइकुलेटम, बाइकुलेटम, राइट। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका कुकुन, क्या आता है कुकुन, कुकुन की अगर अपन बात करें तो कुकुन की नॉर्मली यहां पर क्या है आपका, इसको अपन और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपना इटालियन मिलेट, क्या बोलते हैं इटालियन मिलेट, इसको इटालियन मिलेट भी बोलते हैं, साथ साथ में इसको जर्मन मिलेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जर्मन मिलेट के नाम से भी जाना जाता है। तो फॉक्सटेल मिलेट को आपका इटालियन मिलेट भी कहते हैं और इसको जर्मन मिलेट भी कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है सेटारिया इटालिका, सेटारिया इटालिका, राइट। तो ये हो गए आपके मिलेट के बारे में, राइट। अब इनकी उत्पत्ति की अगर अपन बात करें, मिलेट है इनका आपको कुल तो जानने की जरूरत नहीं है, फैमिली सब की क्या होगी आपकी ग्रेमिनी, मिलेट है तो मिलेट में ग्रेमिनी, लेकिन यहां पर ध्यान रखना उत्पत्ति, उत्पत्ति के अंदर भी ज्यादा आपको माथापोड़ी नहीं करनी है, उत्पत्ति के अंदर आपको नॉर्मली क्या करना है कि जो ऊपर के चार है वो क्या कहां से उत्पत्ति हुई है भारत से, चारों की उत्पत्ति कहां से भारत से, लेकिन आपको जो कुकुन है या फिर आपका जो इटालियन मिलेट है जर्मन मिलेट है जिसको आप फॉक्स टेल मिलेट भी कहते हो, क्या कहते हो यहां पर और लिख लेना इंग्लिश में फॉक्स टेल मिलेट भी कहा जाता है, तो ये इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहां पर आपका चीन, तो आपको याद क्या रखना है सिर्फ कुकुन इटालियन जर्मन या फिर फॉक्स टेल, ये चारों का एक ही नाम है, आपको कुकुन से याद रखना है, ठीक है। तो आपको जो ये कुकुन मिलेट है, कुकुन मिलेट की जो उत्पत्ति कहां से चीन से, बाकी सब कहां से भारत से, रटने की यहां पर आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ट्रिक बेस आपको याद रखना है, ओनली कुकुन चीन बाकी सब भारत, बात खत्म, और बाद यहां पर पूरी माइनर मिलेट भी खत्म होती है। तो यहां तक आपका एंड होता है आपका मिलेट का पोर्शन या फिर सीरियल क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स के अंदर एक पेडी बच्ची है उसको अपन एंड में, राइट। चलिए।
नेक्स्ट क्रॉप आती है आपकी कपास। कॉटन। कॉटन की अगर अपन बात करें, कपास की अगर अपन बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है ये आपके। चाहे राजस्थान, चाहे केंद्र सरकार, कहाँ ही पर भी वैकेंसी आ जाए, कोई भी आपका कैसा भी एग्जाम हो, चाहे आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आपका सुपरवाइजर का हो, चाहे आपका एओ का हो, डबल एओ का हो, यहाँ पर पूरी जगह से आपको क्या, ये कपास बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। छोटे से लेकर बड़े क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। उसके बारे में अगर अपन बात करें तो आपको जो कॉटन या फिर आपको जो कपास है, कपास की अगर अपन बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या बनता है आपका, गोसिपियम स्पीसीज। क्या बनता है? गोसिपियम स्पीसीज, गोसिपियम स्पीसीज। फिर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो कौन सी आपकी, मालवेसी। फैमिली आपको कौन सी देनी है, मालवेसी देनी है। फिर अगर अपन बात करें कि इसके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं, तो इसके अंदर आपको गुणसूत्र कितना करना है, आपको 2n = 26 भी करना है और 2n = 52। ऐसा क्या सिस्टम है, 26 भी है, 52 भी है, दो दो कैसे हुए, दो दो हो सकते हैं। तो आगे जाके अपन पढ़ेंगे कपास का वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंदर दो वर्गीकरण देखेंगे, एक तो देसी कपास देखेंगे, एक देखेंगे अपना अमेरिकन कपास। देसी कपास के अंदर होते हैं 26, अमेरिकन कपास के अंदर होते हैं आपके 52, राइट। तो इस तरह से इसके गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। फिर हमें बताइए कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो उत्पत्ति सर इसकी आपकी कहां से हुई है, अपने प्यारे भारत से। तो आपका कॉटन कपास की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तो वो मानी जाती है अपने भारत से। ये यहां तक खत्म होता है इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वनस्पतिक विवरण यहां पर खत्म होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। आपको ये जो कॉटन शब्द है, आपका जो COTTON कॉटन है, ये कौन सी भाषा का है आपका, तो कॉटन है आपका अरबी भाषा का। कौन से भाषा का शब्द है आपका, अरबी भाषा का। अरबी भाषा के अंदर शब्द कौन सा है, तो कौन सा आपका, कुटुम। कौन सा है, कुटुम। कुटुम से क्या बना है आपका, कॉटन, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा कंसिडर कर लेना। फिर अपन बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। आपको जो कपास है, कपास को आप और क्या बोलते हो, तो कपास को आप सफेद सोना भी कह सकते हो। कपास को आप क्या कह सकते हो, सफेद सोना के नाम से भी आप इसको क्या करते हो, जानते हो, राइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, कपास के अंदर तेल की मात्रा, तेल की मात्रा, बिल्कुल कपास के अंदर तेल होता है, ठीक है। क्योंकि कपास की नॉर्मली आप खली सुनी होगी आपकी, केक जिसको अपन बोलते हैं, कॉटन केक, कपास की खली, खड़। खड़ कब बनेगी, जब अपन तेल निकालेंगे, तेल निकालने के बाद में जो आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपन खल बोलते हैं, खली बोलते हैं। खली है, इसका मतलब तेल भी है। तेल कितना प्रतिशत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पॉइंट है। कपास के अंदर तेल की मात्रा होती है आपकी 15 से 25। देखो एग्जाम के अंदर आपका नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, मॉडर्न तरीका आ गया, मॉडर्न क्वेश्चंस आते हैं। हर बार क्वेश्चन का जो आपका जो पैटर्न होता है वो हर बार क्या थोड़ा सा इंक्रीज होता रहता है, मॉडर्न क्वेश्चन आने लगते हैं। तो आपको जो पहले तेल की मात्रा पूछी जाती, नॉर्मल जो तिलहन फसलें थी, तिल के अंदर तेल क्या होता है, आपका सनफ्लावर के अंदर कितना होता है, मूंगफली के अंदर, सरसों के अंदर, ये तेल पूछा जाता था। अब लगभग सबको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन तेल की मात्रा भी पूछेगा, लेकिन वहां से पूछेगा जहां से अपन एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि वो वहां पर तेल आता है। एक बार क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम के अंदर, मक्का के अंदर तेल की मात्रा कितनी है, आप इसको आइडिया भी नहीं लगा सकते कि भी ये भी क्वेश्चन बनता है। तो मक्का के अंदर तेल, तेल क्या होता है, आपकी फैटी होती है, वसा होती है। तेल क्या होता है आपका, एक प्रकार का वसा होता है, वसी अम्ल होता है।
तो आप तेल कह सकते हो या फिर आप उसको वसा बोल सकते हो। तो मक्का के अंदर 2 से 3% वसा होती है, तो वही आपका तेल हो गया। बस यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछते हैं, राइट। तो आपको यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, कपास के अंदर तेल की मात्रा 15 से 25% होती है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं तेल, तो तेल से निकलती है आपकी खली, क्या निकलती है, खली निकलती है, जिसको आप केक बोलते हो। तेल से खली निकलती है, खली के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो आपकी लगभग क्या है कि 6% क्या होता है आपका नाइट्रोजन होता है, कितना होता है 6%, राइट। आपके एग्जाम के अंदर ओनली नाइट्रोजन ही पूछा जाता है, हर एक खली के अंदर आप खाद और उर्वरक के अंदर भी पढ़ा होगा, है ना, आपके बहुत सारे 2 प्रकार की खली होती है, एक खाने योग्य होती है, एक अखाने योग्य खाद्य और अखाद्य एडिबल नॉन एडिबल केक्स होती है ना, तो हर एक के अंदर स्पेशली नाइट्रोजन पूछा जाता है। फिर भी अगर आप फास्फोरस पोटेशियम देखो तो 3% फास्फोरस होता है, 2% पोटेशियम होता है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, वर्बली आप याद रख सकते हो। तो खड़ी के अंदर नाइट्रोजन कितना होता है, 6% वहां पर होता है, राइट। चलिए फिर आपका जो कपास है वो क्या आपका दिवस निष्प्रभावी पौधा है, दिवस निष्प्रभावी पौधा, क्या है आपका दिवस निष्प्रभावी पौधा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसकी जीनिंग परसेंट कितनी होती है, जीनिंग कितनी होती है इसकी, 33%, कितनी होती है 33%, इन एन एवरेज के अंदर होती है आपकी 32 से 35%, लेकिन फिक्स वैल्यू की बात करें तो वहां पर अच्छे कॉटन अच्छे कपास की गुणवत्ता युक्त तो जो आपका अच्छा कपास होता है उसकी आपकी जो जीनिंग परसेंट है वो कितनी होनी चाहिए आपकी, 33% होनी चाहिए, ठीक है। चलो फिर आता है कि आपके एक घाट की आपकी जो वजन कितना होता है, एक आपका जो बेल होता है उसका वजन कितना होता है, तो कपास के एक बेल का वजन कितना होता है, 170 किलोग्राम, कितना होता है 170 किलोग्राम। जूट पूछ ले तो जूट की फसल आएगी, उसमें भी बात करेंगे, लेकिन वर्बली याद रख लेना जूट की जो एक बेल होती है उसका जो वजन होता है वो होता है 180 किलोग्राम, ठीक है। चलो फिर आता है आपका, दो चीजें आती है आपकी, एक आती है सीड कॉटन, एक आती है आपकी कॉटन सीड। सीड कॉटन की बात करें, सीड कॉटन का मतलब क्या हो गया आपका, यहां पर क्या होगा, बीज प्लस कपास। सीड कॉटन का मतलब क्या हो गया कि आपका बीज है, बीज के साथ में अगर आपका वहां पर रेशे लगे हैं, आपका क्या है कपास लगा हुआ है, तो इन दोनों को साथ में अपन क्या बोलते हैं, सीड कॉटन बोलते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें कॉटन सीड, तो यहां पर क्या होंगे, ओनली सिर्फ और सिर्फ मात्र बीज होगा जो आप खेत के अंदर लगाते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉटन सीड बोलते हैं। और सीड कॉटन किसको बोलते हैं, बीज और कपास दोनों का सम्मिलित रूप को बोलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है आपका वर्गीकरण, वर्गीकरण की बात करें, कपास के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कपास का वर्गीकरण दिया किसने, किस वैज्ञानिक ने दिया, तो यहां पर ध्यान रखना हचिनसन नामक वैज्ञानिक ने, हचिनसन नामक वैज्ञानिक ने आपका क्या है कपास का वर्गीकरण दिया था, किसने दिया था, हचिनसन नामक वैज्ञानिक ने। हचिनसन नामक वैज्ञानिक है, इसने क्या किया, पूरे कपास को, आपका जो कपास है इस पूरे कपास को क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, कितने भागों में, 2 भागों में। पहले कपास को तो क्या बोला उसने, ये क्या है आपका देसी कपास है, क्या है देसी कपास। दूसरे कपास को क्या बोल दिया, ये क्या है आपका अमेरिकन कपास, कौन सा है आपका अमेरिकन कपास, चलो लिख दिया आपका अमेरिकन कपास, ठीक है। ये हो गया आपका अमेरिकन कपास। अब इन दोनों की बात करें, सबसे पहले देखते हैं इनका गुणसूत्र, यानी इनके अंदर गुणसूत्र कितना होता है, तो देसी कपास के अंदर आपका गुणसूत्र होता है 2N = 26, पहले ही मैंने बताया था।
फिर आता है आपका अमेरिकन कपास के अंदर होता है 2N बराबर बावर, कितना होता है आपका बावर, जस्ट डबल। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सा है, तो यहाँ पर दो स्पीशीज आती है, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कौन सा है आपका गॉसिपियम अर्बोरियम और दूसरा कौन सा है गॉसिपियम हर्बेशियम, कौन सा है गॉसिपियम हर्बेशियम। फिर आता है आपका अमेरिकन, अमेरिकन कॉटन के भी कितने प्रकार है आपके, दो, पहला है आपका गॉसिपियम हिर्सुटम, क्या है गॉसिपियम हिर्सुटम एवं गॉसिपियम बार्बिडेंस। गॉसिपियम बार्बिडेंस तो ये हो गए इनके अपने प्रकार, या फिर इसको आप बोल सकते हो इसका वर्गीकरण, ठीक है। तो दो दो वर्गीकरण आ गए हैं अपने किसके, कपास के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका बीज एवं बुआई, क्या आता है बीज एवं, बीज एवं बुआई, सीड एंड सोइंग। सीड एंड सोइंग के अंदर सबसे पहले आता है आपका बीज दर, क्या आता है आपका बीज दर। बीज दर की बात करें तो यहां पर अलग अलग बीज दर यहां पर आती है, और यहां पर चार प्रकार के बीज दर यहां पर माना जाता है कपास के अंदर, और चारों को चारा, ये ध्यान रखना, चारों की चारों यहां पर जो किस्में हैं ये क्या है यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिसमें आपका फर्स्ट है आपका वो क्या आपका देसी कपास, यानी देसी कपास की बीज दर। फिर आपकी आपकी अमेरिकन कपास की बीज दर, फिर आती है आपकी संकर कपास, और एंड में आता है आपका बीटी कपास, बीटी बैसिलस थ्यूरिजेंसिस, नाम सुना होगा आपने। बीटी कपास के लिए अपन कितनी बीज दर रखते हैं, सबसे पहले देसी कपास की बात करें तो देसी कपास की आपकी जो बीज दर होती है वो कितनी होती है आपकी 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, राइट, 10 से 18 किलोग्राम किसके अंदर लेते हैं आपके देसी के अंदर। अमेरिकन के अंदर कितनी लेते हैं 20 से 25, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड, हाइब्रिड के अंदर कितनी आपकी केजी पर हेक्टेयर। फिर है आपका बीटी कपास 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो ये आ गया है आपका अपना बीज दर। फिर अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट है आपका कपास के अंदर ही आ रहा है आपका बीज उपचार, क्या आता है आपका बीज उपचार। यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग टाइप का यहाँ पर पोर्शन बन रहा है। जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, बेसिक के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आपको जो कपास है, कपास के अंदर बीज दर अपना बीजोपचार कैसे करते हैं, कपास के अंदर आप बीजोपचार कैसे करते हो तो कपास के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हो, क्या करते हो सल्फ्यूरिक अम्ल से, यानी कपास के बीज के उपचार के लिए आप कौन से रसायन का उपयोग करते हो तो वह आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको आप क्या बोलते हो H2SO4 बोलते हो, क्या बोलते हो H2SO4, हाँ जी बिल्कुल आपका तेजाब, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसकी मात्रा कितनी लेते हैं तो 100 ml, क्या करते हैं अपन 100 ml का क्या करते हैं अपने 1 किलोग्राम 1 kg अपने सीड के लिए, 1 kg सीड के लिए, यानी 1 किलो सीड है तो उसके लिए 100 ml आप क्या लोगे H2SO4 का उपयोग करोगे। तो यहाँ तक आपका खत्म होता है बीज एवं बुआई का।
एक वैरायटी रह गई है, वैरायटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस्मों के बारे में। किस्मों की बात करें तो यहां पर सबसे पहले आपकी जो वैरायटी आती है वो कौन सी आपकी H4 है, कौन सी आपकी H4 की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट वैरायटी है। और यहां से क्वेश्चन आता है आपका प्रथम संकर किस्म का, प्रथम संकर किस्म का कपास की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, H4, कौन सी आपकी H4। वहां पर H1 दे दे, कंफ्यूज मत होना, H1 है वो भी क्या है आपकी कपास की ही किस्म है, ऐसी नहीं है कि कपास की किस्म नहीं है, कपास की ही किस्म है, लेकिन वहां पर प्रथम हाइब्रिड कौन सी है आपकी, प्रथम संकर कौन सी है, H4 है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आते हैं आपकी एक वैरायटी आती है वारालक्ष्मी, कौन सी आती है वारालक्ष्मी, एक आती है आपकी धनलक्ष्मी, ये भी क्या है आपकी बाजरा अपने कपास की किस्म है, एक आता है आपका मरु विकास, क्या आती है मरु विकास, मरु विकास भी किसकी है आपकी अपनी कपास की किस्म है। और ये जितने भी किस्में मैंने आपको यहाँ पर बताई है ये सारी की सारी किस्में क्या है आपकी संकर किस्में, सारी की सारी क्या आपकी संकर किस्में, धनलक्ष्मी, वारालक्ष्मी, H4, मरु विकास, सारी की सारी क्या है आपकी अपनी संकर किस्में है। यहाँ तक क्लियर है चीजें, चलिए नेक्स्ट है आपका देसी कपास की किस्में। तो नेक्स्ट किस्में कौन सी आती है आपकी, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको लोहित, क्या रखना है आपको लोहित, एक किस्म कौन सी आपकी लोहित, दूसरी किस्म कौन सी है आपकी G7, एक आती है आपकी प्रताप कृषि, क्या आती है आपकी प्रताप कृषि, ये तीनों आपकी जो है वो कैसी आपकी देसी कपास की किस्म है, किसकी किस्म है देसी कपास की किस्म है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली एक थोड़ा सा ध्यान देना कि आपको जो लोहित है, लोहित के अंदर आपको जो पौधा होता है वो क्या होता है लाल रंग का होता है, लाल रंग का तना, पूरा पौधा तो नहीं होगा लेकिन तना होता है, या फिर पूरे पौधे में भी अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं आपको रेडनेस दिखाई देगा, लाल कलर। और ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, लोहित किसकी किस्म है, ये फिर लाल कपास की किस्म है, लाल कौन सी आपकी लोहित है, लोहित शब्द से ही पता चल रहा है आपका, एल से स्टार्ट हो रहा है लाल, या फिर लोहित का मीन्स क्या होता है खून होता है, खून लाल होता है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिर और किस्में कौन कौन सी आती है, तो कुछ किस्मों की अगर अपन बात करें तो एक आती है आपकी अपने बीकानेरी नरमा, कौन सी है बीकानेरी नरमा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट है आपका गंगानगर अगेती, बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है गंगानगर अगेती, गंगानगर अगेती, राइट। इसके अलावा एक आध वैरायटी आप और लिख सकते हो सुजाता, सुजाता, ये चारों किस्में, ये जो आपकी जो तीन चार किस्में हैं ये किसकी किस्म है आपकी अमेरिकन कपास की, किसकी है अमेरिकन कपास, राइट। लास्ट में अगर अपन बात करें, लास्ट में एक आता है आपका अंकुर, क्या आता है आपका अंकुर, एक आता है आपका MECH1, क्या आता है आपका MECH1, एक आता है आपका RCH138, ये सारी की सारी किस्में किसकी है आपकी बीटी कपास की, किसकी है बीटी कपास। और अब ये बीटी कपास क्या होता है, ये मैंने जब आपको स्टार्टिंग के अंदर सामान्य कृषि जो जनरल एग्रीकल्चर थी उसके अंदर पूरा ओपन करके बताया है ना, जो आपके जो बीटी कपास क्या होती है ना, अपने भारत में कब आई, कब बनी है ना, इसके अलावा जितने भी ट्रांसजेनिक जो आपके जो फसलें हैं इसके अलावा उनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ तक आपका एंड होता है आपकी वैरायटीज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कपास के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, टोपिंग बोलते हैं, कपास के अंदर टोपिंग, वर्ड सुना होगा आपने,
टॉपिंग, निपिंग, निपिंग और टॉपिंग लगभग लगभग क्या होती है आपकी सेम ही होती है, क्रॉप की वाइज अपन उसको नाम अलग अलग दे देते हैं। टॉपिंग तंबाकू और कपास के अंदर मानी जाती है, निपिंग आपकी चने के अंदर कहा जाता है। टॉपिंग क्या होता है, सपोज करो कपास है, ये क्या है आपका कपास है, ठीक है। इस कपास का यहां पर पूरा ये कपास का ग्रोथ हो रहा है, यहां पर अपन क्या करते हैं जैसे ये कपास ग्रोथ कर लेता है एक टाइम इसकी ग्रोथ क्या है रुक जाती है, या फिर यहां पर क्या है इसका जो लेंथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ता है, जिसके कारण जो इसकी जो साइड वाली जो ग्रोथ है, जो इसकी जो यहां वाली जहां पर इसके ऊपर फूल वगैरह लगते हैं वो वाली ब्रांचें क्या हो जाती है, शाखाएं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपन क्या करेंगे, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इस कंटिन्यूसली को बढ़ने के लिए रोकने के लिए अपन क्या करते हैं कि कपास का जो सबसे शीर्ष वाला भाग होता है टर्मिनल पॉइंट होता है, उस टर्मिनल पॉइंट को अपन क्या कर देते हैं काट के हटा देते हैं। इसको काट के हटाने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं टॉपिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं टॉपिंग बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया टॉपिंग किससे संबंधित है, तो वो है आपकी कपास से। और ये क्या होती है कि जो आपका शीर्ष भाग है उसको हटाना ही क्या कहलाता है आपका टॉपिंग कहलाता है। अब ये करते कब है, तो यहां पर दो चीजें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिंग होती कब है, तो यहां पर या तो ध्यान रखना है कि टॉपिंग कब करते हैं, जब आपका पौधा 1 से 1.2 मीटर का हो जाए, कब करना है आपको, जब आपका कपास 1 से 1.2 मीटर का हो जाता है तब आप टॉपिंग कर सकते हो, या फिर अगर आपको एग्जाम में टाइम पूछ ले तो बुआई के 80 से 90 दिन बाद करना है, राइट। चलिए तो यहां पर क्या है आपका शीर्ष कलिका को हटाना, कलिका को हटाना क्या कहलाता है आपका टॉपिंग। कब करते हैं, जब पौधा 1 से 1.2 मीटर, पौधा 1 से 1.2 मीटर क्या है वहां पर ग्रोथ ले ले, या फिर यहां पर क्या है आपका, या फिर अपना क्या है आपका अपना हाँ बुआई के 80 से 90 दिन बाद, इसको ही अपन क्या कहते हैं टॉपिंग। यहां तक आपका एंड होता है टॉपिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपना खरपतवार प्रबंधन, इसकी बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो आपके जो कपास के अंदर जो खरपतवार है ये मुख्यतः किसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, एक तो आपके मोनोयूरोन यानी कौन सी हर्बिसाइड यूज में लेते हैं, मोनोयूरोन एवं डाईयूरोन। जैसे कि मैंने आपको खरपतवार पढ़ाया था, खरपतवार के अंदर भी मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बताई थी, जिसमें अपना क्या है कि हर एक फसल के अंदर कौन सा खरपतवार नाशी अपन काम में लेते हैं, उस टाइम भी बताया था। कपास के टाइम मैंने बताया था मोनोयूरोन डाईयूरोन, वही यहां पर क्या है वैसे वैसे यहां पर आ रहा है कि कपास के अंदर खरपतवार नियंत्रण के लिए अपन क्या करते हैं मोनो और डाईयूरोन क्या करते हैं उसका उपयोग में लेते हैं। दूसरी चीज उपयोग में तो लेते हैं, सब फसलें में आती है, लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कपास के अंदर कौन सा खरपतवार नाशी कौन सा हर्बिसाइड उपयोग में नहीं लिया जाता है और उपयोग में उसको लेना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कर लेना, 2,4-D का उपयोग कपास में नहीं करते हैं, 2,4-D का उपयोग कपास में नहीं करते हैं, राइट। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, आप अपने जो डाउट है वो कमेंट के अंदर आप वहां पर मेंशन कर सकते हो, राइट। यहां तक आज की क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कपास को कंटिन्यू करते हुए, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।